सहज आदिवासी महिलाओं के लिए कार्यरत एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत हर साल नवरात्रि से पहले कलांजलि एग्जीबिशन का आयोजन करवाया जाता है। इस साल भी जेतलपुर रोड की निजी आर्ट गैलरी में कलांजलि 2023 का आयोजन करवाया गया है, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। सहज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमन डेवलपमेंट, जो आदिवासी महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाता है। दरअसल आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहज ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। हर साल नवरात्रि से पहले इन आदिवासी बहनों की ओर से तैयार की गई हस्तकला की चीज़ों की प्रदर्शन और बिक्री का आयोजन कलांजलि के तहत होता है। ऐसे में इस बार भी जेतलपुर रोड पर मौजूद निजी आर्ट गैलरी पर कलांजलि 2023 प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन 2 दिनों के लिए त्रिशा आर्ट गैलरी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलने वाला है। सहज जे दाहोद थी संचालन थाय छे, त्यानु एक्जिबिशन अहीं त्रिशा गैलरी में है, त्यां हूँ शॉपिंग करवा माटे आवी छूं। खास करीने नवरात्रि आवी रही है, दिवाली आवे छे, तो ज्वेलरी अने दुपट्टाज अने घर में सुशोभन करी शकाय एवी बधी वस्तुओ है, तो ए बधी ज हूँ आजे खरीदी करवानी छूं। वर्षोथी हूँ आ बधी ज प्रोडक्टना प्रेम में छूँ एवं कही शकाय, तो हूँ जे मने पहला मळ्युं हतुं एज हूँ इच्छूँ कि मने आजे पण ए वस्तु पण जोवा मळे। पण एवरी टाइम कंईक ने कंईक आ लोको बधी जे महिलाओ छे ए कंईक ने कंईक नवं અને નવી ફેશન એમાં એડ કરીને આપણું પોતાનું જે કલ્ચર જળવાઈ રહે એ રીતે બનાવીને લઈને તૈયાર કરીને આવતા હોય છે। સહજ ફરી એકવાર 34 વર્ષ પહેલાં એક યાત્રા શરૂ કરેલી સ્વરોજગારીની। ગાંધીએ જ્યારે કીધું કે સ્વરોજગારી ખાદી ગ્રામનું રચનાત્મક કાર્યક્રમો, એમાંથી પ્રેરણા લઈને અમે આ શરૂ કર્યું। આદિવાસી બહેનો આ તમામ કલાકૃતિઓ બનાવે છે અને એ બહેનોનું મુખ્ય અમારું જે ધ્યેય છે કે આ ગરીબ આદિવાસી બહેને બનાવેલી કૃતિ નથી, આ દયાથી ખરીદવાની ચેરિટી ખરીદવાની વસ્તુ નથી, આ અમારી કારીગર બહેનો જે આદિવાસી છે એ બનાવે છે અને આ આપ જોઈ શકો છો કે વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોડક્ટ્સ અમારી બહેનો બનાવે છે અને તમામ બહેનોનું આ આખું જે છે દર વર્ષે અમે વડોદરામાં આવીએ છીએ। 23 વર્ષથી વડોદરાની કલાપ્રેમી જનતા સતત અમને ટેકો આપે છે। આ બી 2 દિવસ 21 અને 22 અમે ત્રિશા ગેલેરીમાં છીએ। આપ સૌ આવો, વડોદરા જેમ અમને ઉમળકાભેર ટેકો આપતો રહ્યું છે એમ આપતું રહેશે। ધન્યવાદ।